ऋषभ कन्या 9 क्लासेस इन क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड और चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्री. फॉर एग्जांपल एक साइन एक्स इक्वल टू -2 अंडर रूट 6 अपॉन पाई एंड एक्स लाइन बिटवीन पाई एंड 3 पाई बाय 2. फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x एंड cot x. इसका सॉल्यूशन देखें. एक्स लाइन बिटवीन पाई एंड 3 पाई बाय 2. देन क्लियरली एक्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट. एक्स लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट इन विच इन थर्ड क्वाड्रेंट 10 थीटा एंड cot theta r positive and another trigonometrical function r negative. Third quadrant में cot theta और tan theta ये दो value क्या होती है? Positive. और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होता है वो क्या होगा? नेगेटिव. नाउ साइन एक्स इक्वल टू -2 अंडर रूट 6 अपॉन पाई. अब स्क्वायर फॉर्मूला लगाएं. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1. हमको निकालना है कॉस स्क्वायर एक्स. कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. कॉस एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. साइन की वैल्यू गिवन है माइनस 2 अंडर रूट 6 अपॉन 5. वैल्यू पुट अप करें. कॉस एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस माइनस 2 अंडर रूट 6 अपॉन 5 होल स्क्वायर. 6 का स्क्वायर अंडर रूट 6 का स्क्वायर करेंगे 6, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई 4 24 अपॉन 25. इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन 25 इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन 5. अब देखें थर्ड क्वाड्रेंट में 10 थीटा और cot थीटा के लिए क्या होगा? पॉजिटिव होगा. और अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होगा? नेगेटिव होगा. क्या क्या है? कॉस एक्स, कॉस एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 5, सॉरी 1 अपॉन 5. सेकेंड पर निकालना है कॉट एक्स. स्क्वायर रिलेशन देखें 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स इक्वल टू cosec स्क्वायर एक्स. हमको निकालना है cot एक्स. cot स्क्वायर एक्स इक्वल टू cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1. cot एक्स इक्वल टू अंडर रूट cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1. अब देखें
हमको साइन एक्स पता है, साइन एक्स इक्वल टू गिवन है माइनस टू अंडर रूट सिक्स अपॉन पाई, तो हम यहां से कॉट निकाल सकते हैं, कोसेक कोसेक एक्स इक्वल टू साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, तो साइन एक्स इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक एक्स हो जाएगा वैल्यू माइनस फाइव अपॉन टू अंडर रूट सिक्स, ये वैल्यू इसमें पुट करें इक्वल टू अंडर रूट माइनस फाइव अपॉन टू अंडर रूट सिक्स होल स्क्वायर माइनस वन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जाएगा ट्वेंटी फाइव अपॉन ट्वेंटी फोर माइनस वन, शॉर्ट करेंगे वन अपॉन ट्वेंटी फोर अंडर रूट वन अपॉन ट्वेंटी फोर इक्वल टू वन अपॉन टू अंडर रूट सिक्स प्लस माइनस, अब ध्यान दें कॉट एक्स इक्वल टू आया प्लस माइनस वन अपॉन टू अंडर रूट सिक्स, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होगा, लिखेंगे कॉट एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू अंडर रूट सिक्स, इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगा क्योंकि यह किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो कॉट एक्स की वैल्यू क्या आएगा वन अपॉन टू अंडर रूट सिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाई सिक्स प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई थ्री माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई फोर इक्वल टू माइनस वन बाई टू, सॉल्यूशन देखें, सबसे पहला काम कर लें कि जो रेडियन में वैल्यूज दी गई है उसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर लें, आसान हो जाएगा, जैसे आप पाई बाई सिक्स लिखा है तो पाई बाई सिक्स रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, पाई बाई सिक्स मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई, कैंसल आउट हो गया, कितना डिग्री आ गया है 30 डिग्री, इसी तरह से पाई बाई थ्री इक्वल टू पाई बाई थ्री मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई, कैंसल आउट, ये कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री, पाई बाई फोर तो अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करें आएगा फाइव बाई फोर मल्टीप्लाई 180 अपॉन फाइव, कैंसल आउट, ये आएगा 45 डिग्री, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री को प्रूव कर रहा है क्या, वन के इक्वल लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू क्या होता है 1/2, 1/2 होल स्क्वायर प्लस कॉट 60 वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर है माइनस 1045 की वैल्यू होगा 1 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करते हैं 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, 1/2 होल स्क्वायर 1/4, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, 1/4 प्लस 1/4 करेंगे 1/2 तो जाएगा 1/2 माइनस 1, सॉल्व करेंगे क्या जाएगा माइनस 1/2, ये क्या आपका है राइट हैंड साइड, इस तरह से स्क्वायर में अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया है इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।